हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के हम बताएंगे ब्यूटी टिप्स। संतरा पाउडर को मिक्स करें कच्चा दूध या फिर फेस पैक, दोनों के लिए संतरे का छिलका इस्तेमाल किया जा सकता है। गोरी त्वचा के लिए पहले संतरे के छिलके का पाउडर लें और उसमें कच्चा दूध मिक्स कर दें। अभी इस मिश्रण को अपने चेहरे पर 10 मिनट तक लगाएं और छोड़ दें। 10 मिनट बाद जब ये हल्का गीला हो तो इसे सर्कुलर मोशन में रब करें और छुड़ाएं। इसके बाद अपने चेहरे को थोड़ी ठंडे पानी से धो लें। ये तरीका 2 दिन बीच कर जरूर ट्राई करें। एलोवेरा में मिक्स कर लगाएं आंवला जूस। एलोवेरा में आंवला और एलोवेरा दोनों ही फेस की त्वचा के लिए बहुत चमत्कारी इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं। ये टेनिंग हटाने के बाद स्किन को एक ग्लो देने का काम करता है। गर्मियों में ये दोनों ही इंग्रेडिएंट्स आप चाहे तो रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए 1 चम्मच आंवला जूस में 1 चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स करें और इसे अच्छे से मिक्स करके इसे अपने फेस पर लगाएं और लगाने के बाद 10-15 मिनट तक रखें और बाद में चेहरा धो लें। आप चाहें तो ये रोज़ाना कर सकते हैं। आप चाहें तो रोज़ाना नहाने से पहले इस फेस पैक को अप्लाई कर सकते हैं। देखना 2 दिनों में आपके फेस का ग्लो आ जाएगा और फेस की त्वचा वो भी गोरी होने लग जाएगी। ये फेस पैक बहुत ही कारगर है। दही और शहद का मिश्रण। अगर आप फेस पे पिंपल वगैरह से छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो दही और शहद का मिश्रण आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है। इन दिनों सर्दियों में इसके मिश्रण को अपने फेस पर ज़रूर अप्लाई करें ताकि जो आपका फेस ऑयली है वो 4 मिनट के सर्कुलर मोशन रब करके मसाज करें और इसके 15 मिनट के लिए छोड़ दें और छोड़ने के बाद 14 मिनट बाद नॉर्मल पानी से धो लें। आप चाहें तो ये तरीका रोज़ाना ट्राई कर सकते हो और इस दही और शहद के मिश्रण से आपके चेहरे में रंगत का निखार आ जाएगा और चेहरा भी गोरा दिखेगा। आलू के रस का इस्तेमाल। अगर आप अपने फेस पे ब्यूटी चाहते हो तो उसके लिए आलू का रस बहुत ही अच्छा है। आलू का रस बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आपकी डार्क स्किन को लाइट करने का काम करता है और आपके फेस को वाइट करने के लिए ये बहुत ही अच्छा कारगर सिद्ध होता है। ये विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। इसमें मौजूद ब्लीचिंग एजेंट डेड स्किन को हटाकर फेस त्वचा को नेचुरल ग्लो देते हैं। इसके लिए आलू का रस निकाल लें और थोड़ा स्टच रहने दें। अब इसे अपने फेस पर लगाएं और थोड़ी देर बाद मसाज करें। मसाज करने के 15 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें और इसे गुनगुने पानी से धो लें। 2 दिन बीच कर ये 1 दिन करके 2 दिन छोड़ के ये ट्रिक जरूर आजमाएं और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके फेस में कितना फ़र्क है। दोस्तों, मैं डेली ये ब्यूटी टिप्स, हेल्थ टिप्स, किचन टिप्स लेके आती हूँ। अगर आपको मेरे ये किचन टिप्स, हेल्थ टिप्स अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी 20 टिप्स जो आपको हेल्थ टिप्स के लिए अच्छे रहेंगे। नंबर 1, कब्ज से पीड़ित लोगों को शाम के समय पपीते का सेवन करना चाहिए। फाइबर युक्त पदार्थों का सेवन करने से कब्ज में राहत मिलती है। दांतों को साफ रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए रात को सोने से पहले दांतों को साफ करना चाहिए, उसके बाद 1 गिलास पानी पी के ही सोना चाहिए। खाना खाने के समय अधिक पानी नहीं पीना चाहिए, बीच में 1 बार ही पानी पीना चाहिए। यदि हो सके खाना खाने के आधे घंटे बाद ही पानी पिएं।
प्रतिदिन योगा करना हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। ये हमें गंभीर बीमारियों से बचा सकता है।